गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल स्टारलेस जोन। गाइस आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और कंपनी के बारे में, जो कि दोस्तों बिस्लरी कंपनी की तरफ से बहुत ही एक्साइटिंग पदों पर लेटेस्ट रिक्रूटमेंट जारी की गई है। यहाँ पर आप लोगों को कोई एग्जाम नहीं देना है, ना ही कोई आपको इंटरव्यू वगैरह देना है, सीधे ही यहाँ पर आप सभी की भर्ती होने वाली है। सबसे एक्साइटिंग बात दूसरी ये है कि आपको यहाँ पर सैलरी जो है वो बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, प्लस परमानेंट आपकी जॉब वैकेंसी है, कोई थर्ड पार्टी या कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे आपकी जॉब नहीं होने वाली है। क्वालिफिकेशन आपको बताई दी है और इसमें हर एक स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे। सभी चीजें इस वीडियो में हम आपको कवर करके बताने वाले हैं तो कि चलिए कैसे बिना आप देरी देखिए किए वीडियो को हम शुरू करते हैं। आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और हाँ आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर जो है फ्रेशर्स से लेकर एक्सपीरियंस दोनों ही तरह के कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। जी हाँ, अगर आपको पहले से किसी भी कंपनी का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो भी आप जो है इसमें अप्लाई कर सकोगे। साथ ही यहाँ पर आवेदन करने की जो प्रोसेस है वो है ऑनलाइन, मतलब कि आप लोग ऑनलाइन के ही माध्यम से यहाँ पर आवेदन कर पाओगे और जिसकी कोई फीस वगैरह भी आपको नहीं पे करनी है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये जॉब। आपको शुरू से लेकर लास्ट तक एक भी पैसा दोस्तों नहीं पे करना है। गाइस आप यहाँ यहां पर पहले जो उसको डिपार्टमेंट देख पा रहे हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव के हैं, ये अहमदाबाद की लोकेशन पे है। सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव ये बेंगलोर की लोकेशन पे है। की अकाउंटेंट मैनेजर ये इंदौर और मध्य प्रदेश की लोकेशन साथ ही पे आप हैं। यहाँ पर साथ ही देख आप पाएंगे ये लॉजिस्टिक ऑफिसर्स जो कि बिस्लरी मैसूर प्लांट के लिए है, एग्जीक्यूटिव जो कि होरेका ये उदयपुर के लिए है, एग्जीक्यूटिव होरेका ये भी दोस्तों उदयपुर प्लांट के लिए है। साथ ही यहाँ पर ऑपरेटर जो कि आपके बिस्लरी प्लांट में हैदराबाद की लोकेशन पे है, सिकंदराबाद की भी है। एग्जीक्यूटिव प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो आपकी वैकेंसी है ये पुपली उड़ीसा में आपकी होने वाली है। क्वालिटी एग्जीक्यूटिव बिस्लरी विजक जो कि हैदराबाद और सिकंदराबाद की लोकेशन पे यहाँ पर वैकेंसी जारी की गई है। ध्यान रखें यहाँ पर मैंने कुछ ही डिपार्टमेंट गाइज मेंशन किए हैं डेमो के तौर पर, बाकी आप जैसे कि यहाँ पर बिस्लरी की बोतलें पैकिंग से काम हुआ और यहाँ पर जो आप लोडिंग अनलोडिंग का काम हुआ ये चीजें भी यहाँ पर काफी अच्छे पदों पर वैकेंसियां जारी की गई हैं। कैसे आपको इन पोस्टों पे अप्लाई करना है वो भी हम आपको लास्ट में दोस्तों बताने जैसे वाले ये हैं। जो जैसे बिल्कुल कि ये जो निःशुल्क है यहाँ पर मैंने दोबारा से डिस्क्लेमर भी लगाया है। साथ ही अब आप क्वालिफिकेशन की देख लेते हैं, तो फिफ्थ से लेकर 8th 10th 12th आईटीआई में आप चाहे किसी भी ट्रेड से हों, उसी प्रकार से डिप्लोमा पॉलिटेक्निक वाले भी हुए, ग्रेजुएट में और पोस्ट ग्रेजुएट ये सभी लोग आवेदन कर पाएंगे। अगर आपके पास बाई चांस कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है नहीं है तो भी आप आप जो है यहाँ पर यहाँ आवेदन दोस्तों कर पाओगे, क्योंकि बिस्लरी कंपनी में बहुत ही ज्यादा जो कि 6,500 से ज्यादा पदों पर लड़के लड़कियों की आवश्यकता है। जो कि एज एज लिमिट आपकी क्राइटेरिया 18 18 टू 55 ईयर्स होनी चाहिए। साथ ही टोटल वैकेंसियां जो है वो 6,500 प्लस पोस्टें हैं। जेंडर जो कि मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन आएंगे। सैलरी जो आपकी रहेगी बिस्लरी कंपनी में बहुत अच्छी आपको मिलेगी, क्योंकि ये परमानेंट आपकी जॉब वैकेंसी है जिसकी वजह से बहुत अच्छी आपको सैलरी कंपनी बिस्लरी पे कर रही है। स्टार्टिंग की यहाँ पर हम बात करें तो 14,500 प्लस एवरेज सैलरी आपकी है। साथ ही मैक्सिमम की यहाँ पर हम बात करें तो 24,500 प्लस जो है एवरेज सैलरी आपको इस कंपनी की तरफ से मिलने वाली है। और जो भी मैं आपको सैलरी बता रहा हूँ ये एक्सपेक्टेड सैलरी है, आपके एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन के ऊपर भी गाइज डिपेंड करता है। साथ ही यहाँ पर जो अदर बेनिफिट मिल रहे हैं कंपनी की तरफ से, जैसे कि अटेंडेंस बोनस की सुविधा है, ओवर टाइम डबल चलता है, नाइट अलाउंस हुए, सैलरी काफी अच्छी इंक्रीमेंट होती है। साथ ही और जो बेनिफिट होते हैं कंपनी की तरफ से जो आपको मिलते हैं, पीएफ ईएसआईसी हॉलीडे, वीक्स ऑफ, हेल्थ इंश्योरेंस, दीपावली बोनस, मंथली बोनस, कैंटीन ट्रांसपोर्ट, ये सभी फैसिलिटी एज पर कंपनी पॉलिसी रिजर्व रहेंगी जो आपको मिलने वाली है। और भी कई प्रकार की फैसिलिटी होती है जो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और जब आप लोग इंटरव्यू देने के लिए जाएं तो मास्क को अवश्य लगाकर जाएं और वो भी 19 का सर्टिफिकेट भी साथ में लेकर जाएं, और गवर्नमेंट के जो भी दिशा निर्देश हैं उन सभी का भी आप लोग पालन करें। नोट्स, एक चीज और ध्यान रखें कि इसमें जो सिलेक्शन होगा वो किस प्रकार से होगा। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर कमेंट करते हैं, तो सिलेक्शन आपका एप्लीकेशन के बेस्ड पे होगा, मतलब कि आप जितना जल्द अप्लाई कर देते हैं उतना ही जल्द जो है आपको यहाँ पर रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से मैं अप्लाई करके दिखाऊँ सिंपल उसी तरीके से अप्लाई करें, कोई भी आपको गलत जानकारी नहीं फिल करनी, ना ही कोई गलत तरीके से फॉर्म को अप्लाई करना है। साथ ही यहाँ पर आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, अगर आप हिंदी जानते हैं या इंग्लिश जानते हैं जो भी जानते हैं आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए यहाँ पर भी अगर आप काम करेंगे। कैसे आपको यहाँ पर आवेदन करना रहेगा, कैसे इसमें आपको जॉब मिलेगी, पूरा प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। बारीकी से आप इस वीडियो को देखें, कोई भी पॉइंट आप स्किप मत करें, क्योंकि अभी मैंने जो थी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताई है। अब हम आपको यहाँ पर अप्लाई करने का प्रोसेस बताने जा रहे हैं। अप्लाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक मेंशन कर दी है, सिंपल आप लोग जो है वहां से एक्सेस कर पाओगे गाइज। गाइस आपको सबसे पहले तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे इस प्रकार से आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको थोड़ा ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल जैसे ही आप करेंगे तो आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा ज्वाइन अवर टीम का। जी हाँ गाइस, आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा ज्वाइन अवर टीम का। तो आपको यहीं पर जो है कोई भी गलत जानकारी नहीं फिल करनी है। कैसे फिल करना है इसको मैं लाइव प्रूफ आपको बताने वाला हूँ, उसी तरीके से जो है आप इसको फिलआउट करें। जैसे कि मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना नेम दे देना है। यहाँ पर आपको अपना नेम फिल कर देना है, अपनी ईमेल आईडी जो आप यूज कर रहे हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दे देना है। आप जिस भी फंक्शन में अप्लाई करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लें, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो फिल करें, नहीं तो आप रहने दें, एनी फिल कर दें। साथ ही अपनी जो है यहाँ पर सिलेक्ट सिटी भी आप लोग यहाँ पर मेंशन कर दें। सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपको लास्ट में मेन ऑप्शन देखने को मिलेगा रिज्यूम समरी, मतलब कि आपको अपने रिज्यूम के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल्स में आपको यहाँ पर मेंशन करना है, जैसे कि आपको कितने ईयर का एक्सपीरियंस है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, कहाँ पर आप काम कर चुके हैं, कितनी आपकी सैलरी थी, और जो भी आपके अबाउट के बारे में है सभी यहाँ पर आपको जानकारी फिल कर देनी है। फिल करने के बाद आपको लास्ट में देखने को मिलेगा अपलोड योर सीवी का ऑप्शन, इसको आपको वर्ड और या पीडीएफ के फॉर्मेट में ही अपलोड करना है, ऐसे डायरेक्ट इमेज यहाँ पर नहीं अपलोड होगी। तो सिंपल आप इसमें ही फॉर्मेट में अपलोड करें, और इतना करने के बाद आपको क्या करना है, लास्ट में ये सभी जानकारी पहले तो आप चेक कर लें कोई गलत तो नहीं फिल की है। इतना करने के बाद आपको लास्ट में देखने को मिलेगा सबमिट का ऑप्शन, तो यहाँ से जो है आप सभी को सबमिट कर देना है। बस इतना करने के बाद आपका फॉर्म जो है इस कंपनी में आवेदन हो जाएगा। जैसे ही आप शॉर्टलिस्ट होंगे तुरंत जो है आपको यहाँ पर रेस्पॉन्स देखने को मिल जाएगा। तो जो भी जानकारी
तो गाइस वीडियो में जो भी डिटेल्स थी वो मैंने आपको यहाँ पर शेयर करके बता दिया। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में नई जॉब के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।